तो यहाँ पर मैंने अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी पे और व्हाट्सएप के स्टोरी पे, एक व्हाट्सएप स्टोरी नहीं स्टेटस कहते हैं जो भी है, तो उन दोनों पे मैंने एक ओपन चैलेंज रखा था, जहाँ पर मैंने कहा था कि कोई भी टॉपिक मेरे ऊपर फेंक के मारो तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूँगा। बहुत सारे यहाँ पर आए, जिनमें से मैंने यहाँ पर दो सिर्फ सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि ये दो काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलते हैं। मतलब कुछ कुछ लोगों ने एक ऐसे टॉपिक को दिया है मतलब जो कि बहुत बड़ा है, जिसके बारे में एक वीडियो में नहीं हो सकता, तो उसका भी वीडियो इसके बाद आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने दो सिर्फ चूज़ किया है। पहला है, पहले जो है वो पूछा है अयन ने, और ये क्वेश्चन है कि स्मार्टफोन्स में जो अपडेट्स आते हैं वो कैसे काम करते हैं, अपडेट्स आखिरकार आता कैसे हम सभी के स्मार्टफोन्स पे, और वो आखिरकार एक कोई ग्लिच को या फिर कोई बग को फ़ोन में कैसे ठीक कर देता है, ये पहला है। दूसरा टॉपिक जो यहाँ पर है कि स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में बताइए, कैसे कैसे टाइप्स के डिस्प्लेज होते हैं। तो इन दोनों टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे। तो अगर आपका भी सवाल इनमें से एक था तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, पहले लाइक कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपका टॉपिक इसमें कवर हुआ है तो आप मुझे थैंक यू लिख सकते हैं, मुझे खुशी होगी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, मेरा नाम है विशाल सरकार, आप देख रहे हैं विशाल डिजिटल यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है विशाल सरकार, कितने बार बोलूँगा। तो दोस्तों चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि स्मार्टफोन में अपडेट्स कैसे आते हैं। देखिए OTA कहते हैं इसको, ओवर द एयर कहते हैं इसको, तो ये अपडेट्स इस तरीके से आते हैं, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है। अपडेट्स किस तरीके से आते हैं, मतलब कोई कंपनी है जिसने सारे फ़ोन्स मांग के चलता है यहाँ पर, चलिए आपका भी नहीं मेरा नहीं, MI या फिर सैमसंग, कोई भी कंपनी ले सकते हैं आप। तो वो अगर कोई कंपनी है, अगर सैमसंग कंपनी है, तो जितने लोगों ने भी सैमसंग के स्मार्टफोन्स खरीदे हैं, एक पर्टिकुलर मॉडल पे अपडेट्स आते हैं, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए कोई बंदा यूज़ कर रहा है गैलेक्सी S20, तो वो अपडेट और M30 अगर कोई यूज़ कर रहा है तो दोनों अपडेट मैच नहीं होंगे। तो अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग अपडेट्स रिलीज़ किए जाते हैं कंपनी के सर्वर से, जो कि आपके फ़ोन तक आके पहुँचते हैं। जब आप अपने फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, चाहे वो मोबाइल डेटा हो चाहे वो वाईफाई हो, दोनों में से किसी के साथ भी अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आपको वो अपडेट मिल जाता है। OTA ओवर द ईयर ये जो अपडेट है, ये कोई मतलब फिक्स टाइमिंग नहीं होता कि इसी वक्त पे आपके फ़ोन में आएगा, ये कभी भी आपके फ़ोन पर आ सकता है, और ये अपने साथ काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स लेके आता है, ठीक है। अब ये आता कैसे है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा। मान लीजिए एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका सिर्फ आप ही एडमिन हैं, ठीक है, आप अकेला एडमिन हैं, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं और 10 लोग यहाँ पर है, 10 लोग आपको लेके 11 हम मान लेते हैं, और आपने ग्रुप के प्राइवेसी सेटिंग को ऐसा कर रखा है कि सिर्फ एडमिन ही जो है वो व्हाट्सएप पर मैसेज, उस ग्रुप पर मैसेज कर सकता है। तो इस केस में आप हो गए कंपनी का प्रोवाइडर या फिर डेवलपर, आप जिसको कहते हैं, जो एडमिन है, अगर आप हैं तो आप उसका डेवलपर बन गए। व्हाट्सएप ग्रुप का जो नाम है वो कंपनी का नाम हो गया, फॉर एग्जांपल सैमसंग, और ग्रुप के अंदर जितने भी बाकी 10 लोग हैं वो यहाँ पर सैमसंग के कस्टमर्स हो गए, जिन्होंने आपका फ़ोन ख़रीदा है। तो मान लेते कि आप एक क्लास का नोट भेज रहे हैं किसी को, ठीक है, आपने एक नोट भेजा और कोई कह रहा है कि यार मुझे ये जगह समझ नहीं आ रहा है, ये कहाँ मतलब थोड़ा ब्लर आ गया है पिक्चर इस नोट में, तो फिर आपने अच्छे तरीके से उसको भेज के उसको रेड मार्क लगा के आपने भेजा, फिर सभी लोगों को समझ में आ गया। तो पहली केस में जब आपने भेजा था, जब किसी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कई लोगों को, तो उस केस में आप समझ सकते कि आपने एक ऐसा अपडेट भेजा अपने कस्टमर्स को जिससे आपके कस्टमर्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, ठीक है, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उनको वो समझ नहीं आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके डिवाइस में कोई अपने भेजा है, कोई डेवलपर ने अपडेट भेजा है तो फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसके बाद आपने जब उसको करेक्ट करके भेजा, अच्छे से फ़ोटो खरीद के मतलब अच्छे से फ़ोटो खींच के मार्क लगा के जो पॉइंट्स है आपने भेजा, तब आपके ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनको समझ में आ गया आराम से। तो इस केस में आपने एक बग को ठीक कर दिया, एक नया अपडेट आपने भेजा, एक नया मैसेज आपने भेजा जिससे कि लोगों को अच्छे से वो समझ आ गया, क्लास के सारे नोट्स समझ में आ गए और अच्छे से सब लोग पढ़ रहे हैं, समझ आ गया। इस तरीके से अपडेट्स काम करते हैं, मतलब मुझे नहीं लगता कि इंटरनेट पे आपको मैंने जिस तरीके से समझाया इतने अच्छे तरीके से आपको कोई मिलेगा कि अपडेट कैसे आता है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको कहीं पर भी मिलेगा मुझे नहीं लगता। तो इस तरीके से अपडेट्स काम करता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कैसे, आप बोलेंगे कि डेवलपर्स को कैसे पता है कि मेरे डिवाइस में यह प्रॉब्लम आया था, तो आप ही की तरह बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनके पास जो भी प्रॉब्लम आता है वो डेवलपर फॉरम होता है, वहाँ पर जाके लिखते हैं, डेवलपर्स को बताते हैं कि यार मेरे फ़ोन में ये अपडेट आने के बाद 5.1.1 ये अपडेट आने के बाद मेरे फ़ोन में ये प्रॉब्लम हो रहा है। सिर्फ फ़ोन नहीं, कोई भी चीज़, कोई एप्लीकेशन हो गया, विंडोज़ का अपडेट हो गया, कोई भी डिवाइस का कोई कुछ भी अपडेट डेवलपर को अगर आप भेजेंगे तो डेवलपर उसको बाद में फिक्स करके आपको भेजते हैं, तो उस तरीके से बग ठीक हो जाता है। ये हो गया पहला मेरा टॉपिक, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस चीज़ में किसी भी जगह पे डाउट है तो आप कमेंट में मुझे पूछिए, इंस्टेंट मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो था वो था डिस्प्लेस को लेके। देखिए यहाँ पर काफ़ी तरह के डिस्प्लेस आते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर TFT LCD एक तरह का डिस्प्ले आता है। TFC LCD ये शुरुआत की तरफ की डिस्प्ले है जिसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, और ये पहले फ़ोन में आया करते थे। उसके बाद आया IPS LCD जिसका जो है व्यूइंग एंगल हम जिसको कहते हैं, अगर आप अपने फ़ोन को इस तरीके से पकड़ेंगे और अगर आप साइड से भी देखेंगे तो आपको अच्छे से दिखाई देगा, ये IPS LCD है और ये काफ़ी कम पावर कंज्यूम करता था और अच्छा डिस्प्ले है इसका। और यही डिस्प्ले एप्पल के फ़ोन में भी आते थे बहुत पहले, रेटिना डिस्प्ले जिसको नाम दिया गया क्योंकि उसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है IPS LCD का। उसके बाद होता है टच स्क्रीन LCD जो आप सभी को पता है। फिर आता है OLED डिस्प्ले, OLED डिस्प्ले का भी क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, आप सभी को पता है OLED डिस्प्ले बहुत सारे TVs में भी आते हैं, तो OLED डिस्प्ले काफ़ी क्रिस्प होता है इसके कलर। उसके बाद आते हैं लीडर, AMOLED और सुपर AMOLED जिनका क्वालिटी इन सभी के मुकाबले में बहुत ही अच्छा है, और इनका पावर कंजप्शन जो है वो भी बहुत ही कम है। इनका इंडिविजुअल पिक्सल अलग अलग से लिटअप होता है और इनका ब्लैक काफ़ी ज़्यादा डार्क ब्लैक है और बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब सुपर AMOLED और AMOLED ये जो डिस्प्लेस है इनमें बैटरी काफ़ी कम कंज्यूम होते हैं और आपको तगड़े से तगड़े पिक्चर क्वालिटी ये दिखा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मार्केट में अभी तक की स्मार्टफोन में लीडिंग जो डिस्प्ले है वो सुपर AMOLED है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों टॉपिक था, पहला टॉपिक थोड़ा लंबा था, दूसरा टॉपिक थोड़ा शॉर्ट था, जैसा टॉपिक वैसा आंसर। अगर इन दोनों में से किसी में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लीजिए, जिससे होगा कि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।